इटिया थोक गोंडा की रहने वाली 28 वर्षीय संध्या प्रजापति अपने कमर दर्द से परेशान थी। वो इलाज के लिए कई प्राइवेट अस्पतालों में गोंडा से लेकर लखनऊ तक इलाज करा चुकी थी, लेकिन उनकी तकलीफ का परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उनके पति रंजीत प्रजापति को किसी ने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अतुल से मिलने की सलाह दी। संध्या का जब डॉक्टर अतुल ने एक्सरे कराया तो उन्हें मालूम चला कि उनके कूल्हे की हड्डियां सड़ चुकी हैं और इससे छुटकारा सिर्फ कूल्हा ट्रांसप्लांट करके ही हो सकता है। संध्या के पास आयुष्मान कार्ड था जिसके जरिए वो मुफ्त में इलाज करा सकती थी। डॉक्टर अतुल ने उनके सारी प्रक्रिया जिला अस्पताल में पूरी की और उनका ऑपरेशन किया। अब संध्या को दर्द से छुटकारा मिल गया है। और एक ही तरफ दर्द हो रहा था तो इसीलिए एक ही तरफ दिखा रहे थे, आराम ही नहीं हुआ। डॉक्टर अतुल सिंह को किसी ने मुझे बचाया तो हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि एक्सरे लिखा तो एक्सरे कराया तो उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी गल रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्हीं की पहचान से आयुष्मान कार्ड से उन्होंने हमारा ऑपरेशन किया, बिल्कुल ठीक है आप। स्टेज 4 एबियन था तो यंग एज थी 28, तो कहीं ना कहीं इस एज में रिजल्ट देना एक अच्छी सर्जरी क्योंकि डिसलोकेशन का चांस कभी कभी रहता है, वो बाकी दूसरा कूल्हा भी खराब है, 100% पेन फ्री, किसी तरह की कोई शार्डनिंग हो, लेंथनिंग ना हो, ये सारी चीज़ देखनी होती है, सब कुछ ठीक है। मरीज फर्स्ट क्लास अब चल रहा है, खड़े होकर अपने दम पे खा पी रहा है, उसका दर्द खत्म हो गया क्योंकि इसमें असहनीय पीड़ा होती है। डॉक्टर ने इसका कारण इटियोपैथिक बताया, यानी कि इस बीमारी का कोई ज्ञात कारण नहीं है। डॉक्टर अतुल ने बताया कि जिला अस्पताल में कूल्हा प्रत्यारोपण पहली बार किया गया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान कार्ड के जरिए। आपको बता दें कि कूल्हा ट्रांसप्लांट का खर्च लगभग 4 लाख या उससे ज्यादा का हो सकता है, लेकिन इम्प्लांट सहित इसका खर्च 1 लाख तक हो गया और वो पैसा भी मरीज को नहीं देना पड़ा। उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट बोलते हैं, इसका मोस्ट कॉमन जो काज है इडियोपैथिक बोला जाता है। अब उसका चूंकि लेटर स्टेज में, अगर स्टेज 2 तक आती तो दवा वगैरह से मैनेज करते या कोई डिकम्प्रेशन करते, चूंकि स्टेज 4 था, मैंने प्लान किया THR, उनके पास आयुष्मान का कार्ड था और पूरा का पूरा हिप रिप्लेसमेंट जो किया गया, इतनी बड़ी सर्जरी की गई, सारा का सारा आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत किया गया और सारा मुफ्त इलाज हुआ। लगभग 1 लाख रुपए का उनसे इम्प्लांट लगता है, सब कुछ मुफ्त में था, आयुष्मान कार्ड के अंदर में था और उस मरीज का ऑपरेशन सफल रहा। अब वो चल फिर पा रही हैं, अभी भी वो एडमिट है इस जिले में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में, जो कि अब मेडिकल कॉलेज बन चुका है। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत पहला फ्री में कोई प्रत्यारोपण हुआ। वैसे यहाँ प्रत्यारोपण होता ही नहीं था, ना कोई सर्जन करता था, मैंने शुरू किया है, लोग अपना इम्प्लांट लाते थे वो करता था। ये आयुष्मान कार्ड में पहला ऑपरेशन किया गया, प्राइवेट वार्ड में मरीज एडमिट है, आप मिल सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अतुल देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हैं, जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देने के बाद अपने गृह जनपद के लोगों को कम खर्च में इलाज देने के मकसद से गोंडा लौट आए और अब अपनी सेवाएं गोंडा में ही दे रहे हैं। उन्होंने कई जटिल ऑपरेशन गोंडा जैसे शहर में किए हैं, जहां पर ऐसी सर्जरी पहले गोंडा में होने के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। डॉक्टर अतुल कूल्हा ट्रांसप्लांट, नी ट्रांसप्लांट, स्पाइन सर्जरी के साथ साथ हड्डी की हर बीमारी का ऑपरेशन और इलाज बेहद कम खर्च में करने के लिए मशहूर है। भारत में इलाज करवाना कई लोगों को महंगा लगता है, कहावत भी है लोगों को हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगना चाहिए। हालांकि कई ऐसे तरीके भी हैं जिससे आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। आप भी भारत सरकार के आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।